हेलो दोस्तों, जागो शांति रसोई में आपका स्वागत है। आज हम बहुत ही जल्दी बनने वाला हेल्दी और स्वादिष्ट नाश्ता बनाएंगे। हम बनाएंगे पोहे। तो आइए पोहा बनाना शुरू करते हैं। पोहा बनाने के लिए सबसे पहले हम पोहे को धोकर तैयार करेंगे। पोहे बनाने के लिए हमने मीडियम पतले पोहे लिए हैं। ये बाज़ार में आसानी से मिल जाते हैं। ये पोहे हमने साफ करके लिया है, अब हम इसे धोएंगे। पोहे भिगाना नहीं होता, पोहे सिर्फ धोना होता है। इसमें हम इतना पानी डालेंगे कि पोहे डूब जाएं। इसे निकालेंगे तो हम छान लेते हैं। ये देखिए, हमने छान लिया पोहे को। पोहे को हम इस तरीके से चम्मच से अलग भी कर लेंगे। पोहे में हम नमक डालेंगे स्वाद अनुसार, और जितना हम नमक डालेंगे उतना ही हम चीनी भी डालेंगे। अब हम मिला देंगे इन्हें। हम 15 मिनट तक ऐसे ही रखा रहने देंगे और बीच बीच में चला देंगे। पोहा पानी को अब्जॉर्ब करके अच्छा सॉफ्ट हो जाएगा। 5 मिनट हो गए हैं और अब हम चला देते हैं पोहे को, ताकि हमारा पोहा खिले खिले बनेंगे, आपस में चिपकेंगे नहीं। और थोड़ा सा वेट कर लेते हैं हम 5-6 मिनट। और अच्छे से फूल कर तैयार हो गए हैं। पैन को गरम कर लेते हैं। पैन में 1 छोटी चम्मच तेल डाल लेते हैं। और हमने ये 1 कप मूंगफली के दाने लिए हैं, इन्हें हम भून लेंगे। मूंगफली के दाने हम पैन में डालकर लगातार चलाएंगे। क्रिस्पी होने तक हम लगातार चलाएंगे। अगर आप मूंगफली के दाने नहीं डालना चाहते हैं तो ना डालें। मूंगफली के दाने भून गए हैं और थोड़ा सा कलर भी चेंज हो गए हैं। अब हम गैस का फ्लेम लो करके सभी मूंगफली के दानों को निकाल लेंगे। अब हम पोहे बनाने के लिए पैन में 1 या 2 टेबल स्पून तेल डालेंगे। तेल को गर्म होने देते हैं। अब हम 1 छोटी चम्मच राई डालेंगे। सरसों भी डाली जाती है, राई चटकने की आवाज़ आ रही है। अब हम डालेंगे 1 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालें। इसे मिक्स करेंगे हम। अब हम डालेंगे पोहे। पोहे को 2 मिनट तक मिक्स करेंगे। और ये अब हमारे पोहे बन चुके हैं। अब हम इसमें 1/2 नींबू का रस निचोड़ेंगे। गैस को कम कर दिए हैं और अब हम पोहे को मिक्स कर देंगे। ये हमारा पोहा बनकर के तैयार हो गए हैं। आइए हम सर्व करते हैं। तो पोहे के ऊपर थोड़ा सा सेव डालेंगे और थोड़ा सा मूंगफली के दाने डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया, साथ ही थोड़ा सा नींबू। बहुत ही स्वादिष्ट खिला खिला पोहा बनकर तैयार है। बहुत ही जल्दी बन जाता है ये। अगर मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।